फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है आप सबका बिग बॉस में, जरा मुझे बताओ कौन कौन देख रहा है बिग बॉस मेरी तरह, हम भी डिस्कशन करेंगे कौन अच्छा है, क्या चल रहा है घर के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अहमर, आप सब लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल UP8PUN फिल्म्स पे। तो गाइज, एक नए दिन एक नए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत और निकलते हैं, एक अच्छी सी राइड करके आते हैं। बहुत प्यारा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, ठीक है तो चलते हैं। और मुझे एक बाइक भी देखनी है, आप लोग को भी दिखाता हूँ मैं। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइज रेडी वेडी हो गया हूँ मैं, बढ़िया एकदम। बाल में हल्का सा ऑयल भी डाल रखा है तो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, तो अभी अपनी मदर को मम्मा को लेके जा रहा हूँ मैं, उनको कुछ फूल वगैरह देखने हैं, फुलवारी लेके जा रहा हूँ। तो पौधे कुछ दिखा के लाते हैं, मिल जाए अच्छे तो ले भी लेंगे। देसी गुलाब तो चाहिए ही मुझे एक। सही है, बढ़िया है। अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, यहाँ बच्चे कुछ खड़े हैं ऐसे घूरते रहते हैं सब। मुझे मैं लिफ्ट में आ गया, बटन दबा दिया और आने के बाद मैं भूल गया चाबी बाइक की, फिर वापस गया चाबी ली तब आया हूँ। चलो मिलते हैं आप सीधे वहीं। जबरदस्त धूप हो रही है भाई यार, बहुत तगड़ी। आप लोग भी इतने यहाँ खड़े हो तो सब्सक्राइब करते चलो। बाकी मैं कह रहा हूँ यार, ये पौधा बहुत प्यारा है, मतलब फूल जो है ये बहुत ही तगड़े, बहुत ही प्यारे। इनसे भी बात हुई है, ये कह रहे हैं कि यार अभी फूल है नहीं ज्यादा, क्यों? क्योंकि अभी गाड़ी आ रही है इनकी, गाड़ी जब आएगी उसमें आएंगे सारे फूल। ये देखो यार, ये बहुत प्यारा है, ये वाला भी पर्पल वाला। बाकी ज़्यादा फूल है नहीं इनके पास अभी, यहाँ खाली पड़ा है सब। ब्राइटनेस हो गया हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही है। तो पौधे वाले हैं, फूल वूल जब आएंगे तब लेंगे इनसे फिर आके। तो गाइस मैं जस्ट आया हूँ अभी, वो बाइक में ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें से अभी कुछ आवाज़ भी आ रही थी खट खट करके, पता नहीं क्या थी, इंजन के पास से कुछ। ऑयल वॉयल चेक किया, ऑयल तो है बड़े, पिछले महीने पड़वाया था। मैं इसको धोता हूँ अभी, तो मैं पाइप वगैरह लेके आया हूँ ऊपर से, धोने के बाद देखते हैं कुछ वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर और तब भी आवाज़ आती है तो फिर मैं इसको चेक करूँगा अभी। बस यहीं रख दो साइड में। कपड़ा मंगाया था हमने आदिल से, यार ये टूट गया अभी अभी बाइक से, बाइक का पहिया चढ़ गया इस पर। कोई नहीं, इसकी इतनी ही लाइफ थी शायद, इसलिए। इसको निकाल दिया जाए क्या, तभी सही से स्प्रे जाएगा यहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ से कहीं से आवाज़ आ रही है मुझे। यहाँ मिट्टी भी बहुत लग रही है, इसको धोते हैं अच्छे से। हॉर्न भी बड़ा हल्का बज रहा है, मिट्टी वट्टी इस पर लगी है। ले गया आऊँगा मैं कहीं ना कहीं, यहाँ भाई ले गए होंगे, लग गई होगी मिट्टी इस पर कहीं, जल रही होगी वो चीज़, धुली भी तो बहुत टाइम से नहीं है, धुलना ज़रूरी है। जैसे इंसान का नहाना ज़रूरी है, वैसे ही बाइक का धुलना ज़रूरी है बहुत। हो गई गीली, लगाया इस पर हम शैम्पू, शैम्पू लेके आया हूँ भैया इसके लिए। जितनी इसकी केयर करोगे उतनी ये हमारी करेगी। कपड़े को भी धो लेते हैं, लाओ ऑनलाइन के लिए क्लिनिक प्लस।
बढ़िया साफ हो गई भाई, चमक गई गाड़ी तो धुल के हैं बेहतरीन। अभी देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इंजन में। यहाँ आ रही है धूप, यहाँ खड़ी करते हैं बाइक को किसी तरह। यार कार पे कितनी धूल हो गई, चाबी होती तो उसको भी धो देता मैं। देखो A4 A-Star नहीं, A4 अहमर। चलो ये आ रही है सर बढ़िया धूप। अभी ये वाली साइड सूख जाए पहले ज़रा 2-3 मिनट में, फिर थोड़ी इंजन वाली साइड लगाऊंगा उधर। भाई साहब कुछ भी कहो, हाथ दुख जाता है ब्लॉगिंग में भाई। एक हाथ से फोन पकड़े रहे, एक हाथ से पाइप और साफ करना, ओहो। लेकिन बाइक अपनी साफ हो गई भाई, कुछ भी कहो। चलो पाइप पाइप का सेटअप जो लगा रखा था वो सब हटाता हूँ पहले चीज़ें जाके। मैं जैसा वापस था सोसाइटी में वैसे ही कर दो, और ये कपड़ा भी धोना है। हाँ ये भूल गया मैं, बाइक को जल्दी से पहुँच देता हूँ, वरना इस पर जो ड्रॉप्स रह गई हैं ना पानी की वो निशान मार देंगी। कपड़ा भी हमारा सूख गया है, बाइक भी ऑलमोस्ट सूख गई है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी पानी इस पर लगा हुआ है ना वो पोंछ दिया जाए। आप लोग भी यही करना, उससे क्या है कि पानी के फिर ड्रॉप्स के निशान नहीं पड़ेंगे बाइक पे सूखने के बाद। अब बाइक ऐसे खड़ी कर दी है, अभी मैं जा रहा हूँ उसका देखता हूँ इंजन में क्या दिक्कत आ रही है। स्पार्क प्लग चेक करूंगा, ऑयल तो चेक कर ही लिया है ही, देखता हूँ। चलो रुको, सेल्फ लेनी रही थी बाइक तो मैंने किक यूज करी। देख रहे हो उसकी आवाज जो है ना ऊपर नीचे हो रही है ज्यादा रेस देने पे। वैसे एक कार्बन था स्पार्क प्लग को मैंने साफ कर दिया है, बाकी जॉस को भी देखता हूँ, उसकी रेस को भी सेट करता हूँ। इसकी बिल्कुल सही साउंड वायर में ही, मतलब थोड़ा ऑयलिंग वगैरह भी करवानी है, मेरे पास तो खत्म हो गया ऑयल, वही चेक करने गया था मैं अभी। इसकी मैंने रेस भी सेट कर दी है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसका स्पार्क प्लग भी मैंने चेक किया तो उसमें कार्बन आ रहा था, वही जल जल के मुझे तो स्मेल आ रही थी, वही कटकट आवाज कर रहा था, वो एकदम क्लीन हो गया है और धुलने से काफी फर्क आया बाइक में। तो अभी ये है, अभी चलेंगे किसी मैकेनिक के पास और ऑयलिंग इसमें करवा देंगे। मैंने इसका वायर चेक किया था एक्सेटर वायर, वो भी काफी अजीब सा हो रहा था, तो उसमें ऑयलिंग करवाएंगे चल के। ठीक है, अभी मैं थक गया हूँ काफी ज्यादा और ऊपर जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले जाके मैं भी नहाऊंगा और फिर खाना वाना कुछ खाएंगे, उसके बाद लेके चलेंगे बाइक को कहीं पे। ये बहुत सही जगह सेट हुआ है मोबाइल हमारा, एकदम मीटर के ऊपर रखा हुआ है। अभी मैं देखो कुछ लाऊंगा यहाँ स्टैंड वगैरह या हैंडल पे लगाने के लिए, फिर वहां फोन अपने लगा दिया करेंगे। पोर्ट्रेट में हमारी बनती रहा करेगी, यहाँ से हेलमेट से एक्शन कैमरा से तो हमारा बनेगा ही लैंडस्केप में वीडियो। ठीक है चलते हैं अभी ऊपर। क्या मस्त सनसेट हो रहा है गाइस, हमारी छत से ऐसा सेट व्यू आता है ना कि मजा आ जाए भाई साहब, सनसेट और सनराइज दोनों। देखो हम लोगों ने ये रख रखा है ताकि परिंदे पानी पी सके, कुछ खा सके, उनके खाने के लिए भी ये डाल रखा है सब। मेरी चाय चल रही है, क्या मोमेंट है उस मोमेंट के पे चाय मज़ेदार। तो गाइस आज हम अपनी बाइक से नहीं जाएंगे, एक काम से जा रहा हूँ मैं। बाइक में थोड़ी दिक्कत आ गई है इंजन में, मैं देख लिया चेक कर लिया, बिलाल आ रहा है इनफैक्ट मुझे पिकअप करने, तो बस आ ही रहा है रास्ते में ही है। आ गया बिलाल मुझे लेने आ गया। सही है यार, कभी कभार बिलाल के साथ भी जाना चाहिए। और बिलाल क्या हाल है? थैंक यू यार बिलाल तुम मुझे लेने आए। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो करो भाई। मौज काट रहे हैं, मौज बस मौज लो, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। क्या बात कही बिलाल आपने, जबरदस्त। ठंड आ गई भाई, क्या मैं कल निकला था रात में, ऐसी ठंड लगी, वापस ऊपर गया स्वेट शर्ट पहनी फिर गया मैं। अरे भाई
तो गाइज हम मेनली जो इस वक्त गए थे रात में, वो एक दोस्त की तबीयत खराब है, मतलब टाइफाइड हो गया है उसे, और तो उसको ही देखने गए थे। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा है, तो बस ये आप लोग भी यार उसके लिए दुआ करना, जल्दी से ठीक हो जाए। 5 दिन हो गए उसे टाइफाइड में, अब कितने दिन लगेंगे आगे देखते हैं। बाकी तो ख्याल ही रखा जा रहा है उसका, दुआ ही कर सकता हूँ मैं यार। चलो तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों से मिलता हूँ फिर मैं कल के व्लॉग में। आप लोग मेरे वीडियो करना लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे रील इतनी प्यारी अपलोड की है, जाके चेक करना। आप लोगों से मिलते हैं कल, बाय गाइस।